ये वीडियोस अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ MM Academy ऐप पर, तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और जितने भी वीडियोस है हाई यील्ड वीडियोस जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प दिला सकते हैं वो वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में, इसका नाम है कौन बनेगा IAS, जहां पर आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कवर हो जाती है, भले वो PIB हो, न्यूज़पेपर हो या AIR हो। तो इसीलिए कौन बनेगा ऐस सीरीज अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से कवर हो जाए और कैसी भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओ, इजीली आप वो अटेम्प्ट कर पाओ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और PDF के लिए भी आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हम 21 जुलाई के जो MCQs हैं वो देखने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन आता है G20 के बारे में। तो G20 ये एक फॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज़ का और यूरोपियन यूनियन का, विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर टोटल हमें 19 देखने को मिलती है, एक यूरोपियन यूनियन देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव्स भी देखने को मिलते हैं IMF के और वर्ल्ड बैंक के। दूसरा है G20 जो ऑपरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन विथ नो स्पेसिफिक हेडक्वार्टर, इसका हमें कोई हेडक्वार्टर जो है देखने को नहीं मिलता है। और तीसरा देखने को मिलता है कि 2021 समिट जो है ये इटली में हेल्ड की जाने वाली है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको पहचानना है। तो इसमें अगर आप देखो तो फर्स्ट यहाँ पर गलत हो जाता है, सेकंड यहाँ पर गलत हो जाता है, थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका जवाब जो है वो रहेगा सिर्फ C3 ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है ना कि फॉर्मल ग्रुप। समझ में आ रहा है आपको कितने माइन्यूट से वर्ड्स होते हैं जो कि आपके साथ खेले जा सकते हैं, तो इसीलिए आपको हर चीज़ में ध्यान देना है। और इसीलिए तो मैं MCQ फॉर्म में लाता हूँ करंट अफेयर्स, जिससे क्या है कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। ये एक टेस्ट सीरीज भी है करंट अफेयर्स की, है ना, जिसमें आपके जितने भी करंट अफेयर्स है आप खुद को भी देख सकते हो कैसे आप कवर कर रहे हो, कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जिससे कि जहां आपकी गलती हो रही है वहां आप सीख सको। तो यहां पर आप देख सकते हो इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का, रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं IMF के और वर्ल्ड बैंक के। दूसरा भी गलत है, क्योंकि G20 ऑपरेट करता है एज अ फोरम विथ नो स्पेसिफिक हेडक्वार्टर। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन ना, यहाँ पर ही ऑपरेट करता है एज अ फोरम, किसी भी स्पेसिफिक हेडक्वार्टर में नहीं है। रिसेंटली अब यहाँ पर न्यूज़ में क्यों चल रहा है, क्यों हमने यहाँ पर G20 के बारे में देखा है, रिसेंटली इंडिया जो है वर्चुअली उसने पार्टिसिपेट किया था 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग जो हेल्ड की गई थी फेब्रवरी 2020 रियाद और सऊदी अरेबिया में। G20 एक्शन प्लान अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि एंडोर्स करता है रिस्पांस टू COVID-19 इन अप्रैल 2020, उसी के साथ साथ लिस्ट है ऑफ कलेक्टिव कमिटमेंट्स जो कि हमें हेल्थ रिस्पांस में, इकोनॉमिक रिस्पांस में, स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल रिकवरी में, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑर्डिनेशन में देखने को मिलता है, जिससे कि हम यहाँ पर पेंडेमिक से फाइट कर सकें। इंडिया का अगर हम रिस्पांस देखें, इंडिया ने एम्फेसिस किया है कि यहाँ पर बैलेंस सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड मेजर्स रहने चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर जो रिसेशन है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर टैकल की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए रिसेशन जो है सिर्फ इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड में ही देखने को मिल रहा है। अब वर्ल्ड कितने तेज़ी से उभरता है ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल कंट्रीज़ कितने तेज़ी से उभरती है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर G20 अगर आप देखें तो इनफॉर्मल ग्रुप है जैसे मैंने आपको बताया था, हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है। ओरिजिन अगर हम देखें तो यहाँ पर 1997-99 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके दौरान देखने को मिलता है। मेंबर अगर हम देखें तो मेंबर ऑफ G20 यहाँ पर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर आपको ये कंट्रीज जो है वो देखने को मिलेंगे। उसी के साथ 2021 समिट जो है ये हेल्ड की जाने वाली है इटली में, तो यहाँ पर आप मैप के जरिए भी जो कंट्रीज़ है वो देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ICAO के बारे में। जो ICAO है वो तुषार कपूर का नहीं है, वो गोलमाल का आए हैं वो नहीं, ICAO है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि स्टैब्लिश की गई है 1944 में, जो कि फाउंडेशन लेड करती है फॉर द स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर पीसफुल ग्लोबल एयर नेविगेशन। दूसरा है हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल, कनाडा में देखने को मिलता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, जवाब इसका सी हमें देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिफ्यूज़ किया है कि वो अपील करेगा बाय दी बहरेन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर अथॉरिटी को चैलेंज करें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे ICJ ये टॉप यूनाइटेड नेशन कोर्ट है। हमने ICJ के बारे में कई बार देखा हुआ है, गौर मैंने कहा सीरीज़ में हमने कई बार कवर किया हुआ है ना। यहाँ पर आप देखो कतार का ब्लॉकेट देखने को मिल रहा है। जून 2017 में कतार नेबरिंग अरब नेशंस ऑफ सऊदी अरेबिया, UAE एंड बहरीन एंड इजिप्ट शट ऑफ शिपिंग रूट्स एंड एयर स्पेस विद कतार। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में है एक ही इसमें एक ही लैंडमार्क में फिर भी यहाँ पर जो झगड़े हैं वो चल ही रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हर तरफ झगड़े झगड़े देखने को मिलते हैं यार। यहाँ पर डिस्प्यूट जो है ICJ पर, कतार ने अप्रोच किया ICAO को और उसी के साथ साथ जो राइट है फ्री पैसेज अंडर 1944 कन्वेंशन ऑन सिविल एविएशन, ये ब्लॉकेड की वजह से वॉयलेट हुआ है ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी पता रहना चाहिए कि इनके बीच में कन्वेंशन हुआ है, ठीक है। और सऊदी अरेबिया और उसके अलाइज जो आर्ग्यू कर रहे हैं ICJ शुड हैव अथॉरिटी टू सेटल डिस्प्यूट्स इंस्टेड ऑफ ICAO, जो ICAO है वो यहाँ पर नहीं करना चाहिए बल्कि ICJ जो है वो यहाँ पर करना चाहिए, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे ये मसला जो है कहाँ तक पहुँचता है। अब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात आई है तो ये भी देखना हमारा काम है। तो ये स्टैब्लिश की गई थी बाय द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो कि साइन किया गया था ऑन 7 दिसंबर 1944 शिकागो में। ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट का वो यहाँ पर किया जा सके, जिससे कि जो सेफ एंड ऑर्डरली ग्रोथ जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन की वो यहाँ पर हो सके। इंडिया जो है वो मेंबर है अमंग 193 मेंबर्स और हेडक्वार्टर्स का मॉन्ट्रियल कनाडा जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। SIG 716 असॉल्ट राइफल्स ये कौन सी कंट्री से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कौन सी कंट्री से है, इसराइल, रशिया, USA या फ्रांस? तो ये हमें देखने को मिलती है USA से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेंटली डोमेस्टिक स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरर उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किया है ओवर द कंटिन्यूइंग इंपोर्ट ऑफ स्मॉल आर्म्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर नो बिग ऑर्डर्स फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पर क्या है बेसिकली हम यहाँ पर लोकल वोकल बात कर रहे हैं, है ना, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियसली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो है उनके लिए कोई बड़ी डील नहीं होगी तो फिर ये होगा। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स सेवरल इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन स्मॉल आर्म्स सेगमेंट्स, इसीलिए यहाँ पर वो चाहते हैं कि भैया हमको यहाँ पर चीज़ें मिले, हमको यहाँ पर मौके मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन किया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 74% ऑन द केस टू केस बेसिस, इट इज़ इवन 100%। इंडियन कंपनी जो है कैपेबल है कि वो स्मॉल आर्म्स जो है विदाउट 50% इंडिजीनियस कंटेंट यहाँ पर बना सके, ठीक है, और टाइम लाइन के इसमें। हाउएवर यहाँ पर अगर आप देखोगे मेजर ऑर्डर जो है इंडियन कंपनीज आर नाउ लुकिंग फॉर स्मॉलर ऑर्डर्स फॉर पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिले। स्मॉल आर्म इंपोर्ट मतलब क्या है, रिसेंटली इंडियन आर्मी जो है ऑर्डर किया 72,400 SIG 716 असॉल्ट राइफल्स, ठीक है। तो ये USA जो है उससे किया है फॉर द सेकेंड टाइम। अब यहाँ पर डिमांड जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की, दे आर आस्किंग टू गिव डोमेस्टिक कंपनीज द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड। यहाँ पर बेसिकली लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए ना, एक को अगर एडवांटेज मिल रहा है तो फिर ये गलत हो जाता है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए और कोई बाहर की कंपनी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रही है, यहाँ पर हम खुद ही मांग रहे हैं। तो यहाँ पर बट ऑब्वियसली आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस जो है वो आएगा ही, तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा मेक इन इंडिया को भी, आत्मनिर्भर को भी, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर जॉब जो है वो भी क्रिएट होंगे इंडियंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है RT-PCR के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको सही स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है, सही नहीं इनकरेक्ट क्या है। हमेशा आप सर्कल या फिर ऐसा रेक्टेंगल कर दिया कीजिए जिससे कि इन दी एंड भी जब हम सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हमें याद रहना चाहिए। यहाँ पर पहला है कि ये कॉपीज है ऑफ द सेगमेंट ऑफ DNA क्रिएट किए जाते हैं यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड पॉलीमरेज। दूसरा है ये जो टेक्निक है डेवलप की गई है ड्यूरिंग द फाइट विद द COVID-19 पेंडेमिक। तो आपको यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है। तो इसमें अगर आप देखो फर्स्ट जो है वो सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाता है। बेसिकली RT-PCR जो है ये काय के लिए इस्तेमाल होती है कि आपके टेस्ट देखने के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, है ना। मतलब क्या होता है बेसिकली RNA जो है वो निकाला जाता है क्योंकि उसमें RNA देखने को मिलता है, फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है DNA में, फिर उसके बाद उसे मैग्नीफाई किया जाता है और इस तरीके से हम यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है कोविड का देख सकते हैं। तो दूसरा इनकरेक्ट है, यहाँ पर जवाब क्या रहेगा, बी रहेगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो केरी है उसने इन्वेंट किया था PCR टेक्निक, ठीक है, नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया था 1993 में। तो मतलब अभी की नहीं है, काफ़ी पहले की है, अभी पेंडेमिक में इसके ईजाद नहीं हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे रिसेंटली न्यू दिल्ली कोविड-19 टेस्ट स्ट्रेटेजी बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल ड्यू टू लो लेवल ऑफ RT-PCR, ठीक है, रीटेस्टिंग इन पर्सन टेस्टेड नेगेटिव इन RADT रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट में नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो RADT है वाइडली विदाउट फॉलोइंग अप, यहाँ पर फॉलोइंग अप नहीं होता है, RADT जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है एडिक्वेट रीटेस्ट के साथ। तो यहाँ पर ICMR बेसिकली गाइडलाइन क्या है कि RADT जो है यूज़ किया जाएगा ओनली इन द कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट, हॉस्पिटल सेटिंग एंड लेबोरेटरीज, ठीक है, इसमें किया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो असिम्प्टोमेटिक जो केसेस होते हैं जिसमें पता नहीं चलता है, उसमें खासकर इसका इस्तेमाल जो है हमें देखने को मिलता है। और बट ऑब्वियस है कि जो चांसेस है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव के थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोज़ हू टेस्टेड नेगेटिव एंड हुम जो सस्पेक्ट है डिसीज़ का डेफिनेटली टेस्ट सब्सिक्वेंटली बाय RT-PCR, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर किया जाता है RADT, अगर हम देखें तो ये टेस्ट है स्वैब नेबल सैंपल दैट डिटेक्ट्स एंटीजन, यहाँ पर एंटीजन जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप देखो तो ये आप हमने बहुत बार कवर किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो, एक बार नज़र इस पर डाल सकते हो, कोई कौन से मैकेनिज्म है RT-PCR की, उसी के साथ एंटीबॉडी टेस्ट, जो ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, तो सारी ही चीज़ें हमने कवर की हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही क्या है ये बताना है, इसमें से चूज़ करना है आपको सही क्या है। तो पहला है कोविड-19 जो है स्प्रेड हुआ है इंडिया में एंड इट डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसकी डिपेंडेंस है टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। दूसरा है कि रेस्पिरेटरी वायरल पेंडेमिक जो है ऑफ 21st सेंचुरी SARS-2003 स्वाइन फ्लू हैड रिवील्ड दैट सीजनलिटी जो है एनवायरमेंट में वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्प्रेड के डायनेमिक्स में। तो यहाँ पर दोनों में से कौन सा है? आपको ये ऑप्शन जो है वो चूज़ करने हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए ए जो है इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन है और ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है हमारे न्यूज़पेपर में और PIB जो है उसकी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी कोविड-19 स्प्रेड जो है इंडिया में उसकी डिपेंडेंस टेम्परेचर ऑन रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। और उसी के साथ साथ स्टडी कंडक्ट किया गया स्कूल ऑफ अर्थ के ओशन एंड क्लाइमेट साइंस के द्वारा IIT भुवनेश्वर, और उसी के साथ साथ इसने जो पैटर्न है कोरोना वायरस का आउटब्रेक का वो भी यहाँ पर कंसिडर किया है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चली है। रेनफॉल जो है, रेनफॉल डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड कूलिंग ऑफ एटमोसफियर कपल्ड विद प्रोग्रेशन टूवर्ड्स विंटर में एनवायरमेंटली फेवर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, फेवर कर सकता है, ठीक है। टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इसका है डिसीज़ पर, उसके स्प्रेड पर, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर पॉलिसी मेकर जो है उन्होंने जो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी कंसिडर करनी चाहिए जो भी चीज़ है वो बनाने के लिए। तो ये सारी पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको जो सही स्टेटमेंट है ये पहचाना है। फंड जो है उसे प्लेस्ड किया गया है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एक्सपेंडिचर जो है उसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पर आप देखो तो हमें देखने को मिलता है कि ये लोकेट किया गया है पब्लिक अकाउंट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वही पूरा देखती है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो रिजर्व फंड जो है जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है उस तरीके से देखा जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि इसका नाम जो है पहले ये नहीं था। अगर आप देखो तो जो नाम है इसका वो भी हमें दूसरा देखने को मिलता है। और उसी के साथ नेशनल डिजास्टर कंट्रीब्यूशन, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, ठीक है, ये अगर हम देखें तो इसका नेशनल कैलेमिटीज कंटिजेंसी फंड ये नाम देखने को मिल रहा था और फिर इसे रिनेम कर दिया गया था नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के नाम से, ठीक है। और ये हमें एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत देखने को मिलता है। सेक्शन भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था ये पब्लिक अकाउंट जो है उसमें प्लेस किया गया है। रोल अगर हम देखें तो देखिए जो भी इमरजेंसी प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो फाइनेंस है, फाइनेंस किस तरीके से होता है, कोई जो सेस है वो लीवी किया जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमें अलग अलग सेस देखने को मिलते हैं ना, तो उसके जरिए यहाँ पर इसका जो गठन है वो किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है ऑडिट करता है इस अकाउंट को। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो अभी PM केयर्स फंड है उसके लिए भी यहाँ पर ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, इसलिए ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्रेड ग्रोव्स जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको जो सही स्टेटमेंट है ये यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर पहला आता है कि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है हैविंग सिग्निफिकेंट रिलीजियस कनोशन, ठीक है, प्रोटेक्टिंग कम्युनिटी के लिए, और लीगली प्रोटेक्टेड है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
तो इसमें अगर आप देखो तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है, ए इसका जवाब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सेक्रेट ग्रोव्स है वो लीगली प्रोटेक्टेड है अंडर द कम्युनिटी रिजर्व इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ना कि यहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। और उसी के साथ सेक्रेट ग्रोव्स जो है वो कॉमनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो कि यूजुअली यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्शन के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पर आप देखो सम कॉमन थ्रेट्स अगर हम देखें सेक्रेट ग्रोव्स से, तो डिसअपीयरेंस ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इन्वेजन जो है टॉक्सिक वीड्स का वो हो रहा है, और लाइफ स्टॉक जो है उनका इंक्रीज, उससे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा आपको क्वेश्चन आता है तो ये आप मेंस में लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये कौन से टाइप का मालवेयर है, ये मतलब वायरस है, टॉर्जन है, रैंसमवेयर है, वर्म्स है? तो ये अगर आप देखो तो ये टॉर्जन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेंटली सिक्योरिटी टीम जो उसने अलर्ट किया है नया मालवेयर कॉल्ड ब्लैक रॉक। तो ये कभी कभार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये टॉर्जन है, ठीक है, बैंकिंग टॉर्जन। और ये टॉर्जन मतलब क्या है, एनी टाइप ऑफ मिलिशियस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये भी आपको कभी कभार क्या होता है कि जो वायरस है उसमें क्या है मालवेयर, उसमें क्या डिफरेंस है, टॉर्जन में क्या डिफरेंस है, तो ये कभी कभार क्या होता है आपको स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं। बस अगर हम देखें तो ये सरफेस हुआ है एज अ गूगल अपडेट, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए टोटल 337 ऐप्स को यहाँ पर इसने टारगेट किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बैथिनोमस राक्षसा, ये भी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। तो ये क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। ये डांस है, डांस फॉर्म परफॉर्म बाय खारिया ट्राइब, साइंटिफिक नाम है जायंट स्क्विरल का, सुपर जायंट आइसोपॉड स्पीशीज़ है, या फिर वैरायटी ऑफ सुपर जायंट ट्रीज़ है वेस्टर्न घाट्स में। तो ये बेसिकली देखा जाए सुपर जायंट आइसोपॉड स्पीशीज़ है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रिसेंटली साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट सुपर जायंट आइसोपॉड स्पीशीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके का है। अब यहाँ पर फीचर जो है ये भी आप देखो 14 लेग्स है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका साइंटिफिक नाम जो है ये भी कभी कभार क्या है पूछा जा सकता है, तो इसीलिए ये पता नहीं राक्षसा, ठीक है, ऐसा यहाँ पर नाम दिया गया है। और कहाँ पे पाया जाता था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, फर्स्ट रिकॉर्डेड स्पीशीज है ऑफ जीनस फ्रॉम इंडोनेशिया, ठीक है, 6th सुपर जायंट स्पीशीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इसकी डिस्कवरी ये कंट्रीब्यूट करेगी जो नॉलेज है हमारा डीप सी में उसे बढ़ाने के लिए, तो ये भी सिग्निफिकेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट क्या है आपको बताना है। क्लोन्स जो है ऑफ कैचुरीना प्लांट जीनस, ये सूटेबल है फॉर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। कैचुरीना जो है उनका रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है, सिम्बर्टिक एसोसिएशन जो होता है बैक्टीरिया का उनके साथ। तो यहाँ पर आप देखो तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, जवाब इसका सी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री फॉर द ईयर 2019 अवार्ड किया गया है वॉरियर को, साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग इसके लिए। अब ये जो अवार्ड है कन्फर्ड किया गया है इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के द्वारा, ये अपेक्स बॉडी है ऑफ नेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च सिस्टम, ठीक है। और उसी के साथ अवार्ड इनको किया गया है, तो ये भी डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो है इसे कटाडी ये कहा जाता है, इसका रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो ये दो जो पॉइंट है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फ्यूल वुड भी प्रोवाइड करता है। सीधे आपको ऐसे स्टेटमेंट जो है दिए जा सकते हैं, ये की रोल इसका रहता है जो अप ऑन न्यूट्रिएंट पुअर साइट्स होती है उसके लिए। तो ये जो पॉइंट्स है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इस तरीके से जो करंट अफेयर है वो सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है उसके भी डीप में जाकर कवर करते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो MCQs है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, करंट अफेयर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PIB से लेकर सारी न्यूज़ इसमें कवर होती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।